गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड पीछे है बर्तनों का ढेर जो कि मुझे अभी रखना है, देन किचन क्लीन हो जाएगा, खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। आज है 28th ऑफ अगस्त, कल 29th को जीत का बर्थडे है, तो आज हम लोग मिडनाइट सेलिब्रेशन करेंगे। तो बेसिकली मैंने जीत के कलीग्स एंड उनके फैमिली को आज इन्वाइट किया है डिनर पे, तो अराउंड 20 लोग आएंगे एंड उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन कुछ ही है, बट दोनों टाइप के डिशेस मैं बनाऊंगी एंड जो एक्सपेरिमेंटेड है, जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो वही सब मैं बनाऊंगी आज, क्योंकि जब भी मैं किसी गेस्ट को बुलाती हूँ मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो फटाफट मैं बता देती हूँ कि क्या आज मैं बना रही हूँ। जो स्टार्टर में रहेगा एक पनीर की रेसिपी रहेगी, वो थोड़ा सा अलग कुछ मैं बना रही हूँ। एंड मेरा जो चिकन अफगानी मेरा सिग्नेचर डिश, तो वो बनेगा। साथ में मटन गोला कबाब हम लोगों ने मैरिनेशन भाभी के शॉप पे बोल दिया, तो वो बस आ जाएगा, तो हम लोग एयर फ्रायर कर लेंगे। बाकी चना चाट रहेगा, सलाद वगैरह रहेगा, पास्ता रहेगा एंड यही जो सब मंचिंग का सामान वो रहेगा। एंड मेन कोर्स में राइस, दाल मखनी, एक आलू गोभी की सूखी सब्जी बना लूंगी, मटन कर्शा बना लूंगी एंड हम लोग बिरयानी, एक लखनऊ रसोई है यहाँ पे, छोटी सी शॉप है, बहुत अमेजिंग बिरयानी बनाता है वो। खाली फ्राइडे को बिरयानी बनाते हैं, बट आप स्पेशल ऑर्डर दो तो वो आपको बना के अपने हांडी में भेजते हैं, तो हमने ऑर्डर दे दिया है तो वो वहाँ से आएगा बिरयानी, क्योंकि मुझे घर भी डेकोरेट करना है, बहुत सारे बाकी भी काम रहते हैं आज, तो इसलिए मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ आज। तो ये हो जाएगा एंड मीठे में खीर बना लूँ, खीरा बना लूँगी, वो बहुत टेस्टी होता है, तो वही मैं बना लूंगी। तो बस ये रहा आज का मेन्यू एंड मैं शेयर करूंगी थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ में, मतलब सारे रेसिपीज दिखाना हल्का हल्का। एंड हो सकता है ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो मैं अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं उसको दो पार्ट्स में कर लूंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मीठे से, ताकि वो जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाए एंड अच्छा लगता है। तो फटाफट कुकिंग करेंगे ताकि 3-4 बजे तक सब कुछ अगर डन हो जाएगा, देन मैं घर डेकोरेट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे खीरा बनाने के लिए मैंने दो जगह पे दूध लिया है, तो एक कढ़ाई पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है एंड जो पैन में मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, जिसका मैं पनीर बनाऊंगी, बट बाद में मुझे पनीर थोड़ा सा कम लगा था तो इसलिए मैंने और 1 लीटर दूध का पनीर बना लिया था। तो 2 लीटर दूध हम लोग ऐसे लेंगे एंड 2 लीटर दूध का हम लोग पनीर बना लेंगे। तो मैं एक साथ काफ़ी सारे काम कर रही थी, बट मैं आपको एक एक करके रेसिपी दिखाऊंगी, ताकि जिसको भी चाहिए होगा उसको ईजी होगा एंड जिसको स्किप करना होगा वो भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन में जो दूध था वो बॉयल आ गया था उसमें, तो मैंने इसमें लेमन जूस ऐड करके उसका पनीर बना लिया, तो इसको अभी छान लेंगे। एंड इधर भी जो 2 लीटर दूध में भी बॉयल आ गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर, कार्डमम पाउडर वो ऐड किया है, केसर ऐड किया अच्छे कलर के लिए एंड ये जो पनीर जो है वो ऐड कर दिया है। बाद में मैंने फिर से 1 लीटर दूध का पनीर बना के वो भी उसमें ऐड कर दिया था, बट बस अभी उसको 10-15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। देन इसको मीठे में मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँ, आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो, बट कंडेंस मिल्क से हमेशा एक क्रीमी सा फ्लेवर आता है, तो मिठाई में वैसे इस टाइप के खीर वगैरह में कंडेंस मिल्क ऐड करोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें ऐड कर दिया, ताकि ये जो खीरा है ये मेरा जल्दी गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ना 1 घंटा करीब दूध को बिल्कुल आधा होने तक बॉईल करना धीमी आंच में, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट ये वाला शॉर्टकट मेथड अगर आप अप्लाई करोगे उससे भी टेस्ट कुछ भी ख़राब नहीं होता है, आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था, तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसमें मैं ऐड करूँगी पिस्ता, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, बट मुझे ऐसे ग्रीन कलर इसमें अच्छे दिखते हैं इसलिए मैंने पिस्ता ऐड किया है। बस इसको और 2-3 मिनट कुक करेंगे एंड इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल ट्राई करना, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया, ये बहुत ही टेस्टी लगता है एंड बहुत जल्दी भी बन जाता है अगर आप वो कॉर्नफ्लोर ऐड करोगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो अभी मैं उसको सर्विंग जो उसमें डाल के फ्रिज में रख दूंगी, ताकि और थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा, मतलब फ्रिज में रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मैं ऐसे ही सर्विंग वाला लेके आई थी ये खीरा सर्व करने के लिए, तो इसमें ऐड कर दूंगी अभी एंड इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा मैं गार्निश करूँ ये पिस्ता एंड केसर वगैरह आप ऐड कर सकते हो। तो बस इसको अभी मैं कवर करके सारा मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये बन गया है मेरा खीरा, देन बाकी का सारा जो काम है वो सब मैं कर लूँगी। वैसे मैंने छोले जो है वो बॉयल कर लिया एंड दाल मखनी के लिए दाल वगैरह सब बॉयल कर लिए है। यहाँ पे चिकन अफगानी के लिए यहाँ पे मैंने मैरिनेशन रात को ही कर दिया था, तो ये करीब 5 किलो मैंने चिकन लिया है,
तो इसमें 5 बड़े बड़े नींबू के जूस जो है वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा था, तो वो करीब 5 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे दही भी करीब बड़े चम्मच ऐड करेंगे, 6-7 बड़े चम्मच ऐड करेंगे। देन नमक ऐड कर देंगे एंड काली मिर्च का पाउडर वो ऐड कर देंगे। एंड इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च एंड चाट मसाला खूब सारा ऐड करेंगे। इसमें कुछ भी जो लाल मिर्च वगैरह हल्दी वगैरह नहीं डलता है, तो चाट मसाला एंड काली मिर्च का पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। देन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम, तो 5 लीटर जो चिकन के लिए मैंने करीब 1/2 लीटर क्रीम लिया है उसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल एंड मैं हरी चटनी डालना भूल गई थी, तो बाद में मैंने ऐड कर दिया। उसको मिक्स करके फ्रिज में मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था रात भर। देन इसको ऑयल में ऐसे एक एक करके फ्राई करना है, एक साथ सब कुछ ऐड नहीं करना है, तो एक एक करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। एंड चिकन भी इसमें करीब 90% जो है वो कुक हो जाएगा, तो बस ऐसे ही हम इसको निकाल देंगे, ऐसे फ्राई करने के बाद निकाल देंगे। तो ऐसे करके सारे चिकन जो है मैं ऐसे फ्राई कर दूंगी। इस ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा इजी है एंड टेस्टी भी है, बट ये जो बस कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है जब आप ज़्यादा बनाते हो, आप कम बनाते हो तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस सारे चिकन जो है मैंने फ्राई कर लिए है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सब निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल बस हम लोग कढ़ाई में रखेंगे एंड उसी ऑयल में जो जितने भी फ्राई किए चिकन है वो सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। एंड जो हमने मैरिनेशन का जो क्रीम है जो वो सब जो बच गया है वो सब इसके ऊपर ऐड करके इसको अगेन और 10 से 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ड्राई मतलब सेमी ग्रेवी टाइप का रहता है, तो स्टार्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो सभी लोगों को पसंद आता है। एंड ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दिया। बस उसको अभी हम लोग कुक होने के लिए छोड़ देंगे करीब 10-15 मिनट। उसको कुक करने के बाद ढक के थोड़ा सा मैंने कुक किया था, देन कुक करने के बाद इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा रेस्टोरेंट टाइप का लगे। तो बस ये हमारा देखिए बन के रेडी है। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने कोयला थोड़ा सा है वो जला रह रही हूँ। देन इसमें एक कटोरी छोटा सा एक कटोरी रख के इसमें वो जो कोयला है वो ऐड करके ऊपर से बटर डाल के उसको ढक के रख दूंगी ताकि अच्छे से एक जो स्मोकी फ्लेवर है वो आ जाएगा इसमें। तो सिमिलरली मैंने दाल मखनी में भी यही सेम वो किया था ताकि थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप का फ्लेवर आए इसमें। तो बस ये ढक के उसको हम लोग 10 मिनट करीब रख देंगे, देन हमारा चिकन अफगानी बन के रेडी है। सो मटन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करीब 2.5 किलो मटन लिया है एंड कीमा मटन अलग से मैंने थोड़ा सा रख दिया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है दही करीब 3 बड़े चम्मच, देन जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी 3 से 4 बड़े चम्मच, देन नमक हल्दी लाल मिर्च का पाउडर, देन इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे एंड लेमन जूस मैं ऐड करूँगी, 1 नींबू का जूस, 1 बड़े नींबू का जूस एंड थोड़ा सा मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी, वो ऑप्शनल है। ऊपर से थोड़ा सा मैं जो मस्टर्ड ऑयल है वो ऐड करके उसको मैरिनेट करके रख दूँगी रात भर। बस सुबह मैं यहाँ पे 2.5 किलो मटन के लिए, 2.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तो करीब 8 प्याज जो है वो मैं स्लाइस कर ले रही हूँ एंड यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, कोई भी ऑयल ले सकते हो बट हम लोग नॉन वेज मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में कुक करते हैं। इसमें खड़े गर्म मसाले ऐड किए एंड ये जो प्याज है वो उसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज भुनने के बाद इसमें जो मैरिनेट किया हुआ मटन है ना वो ऐड कर देंगे, देन उसको ढक के मैं हाई फ्लेम में इसको 10 मिनट में कुक करूँगी। 10 मिनट के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, तो टमाटर करीब 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, तो टमाटर ऐड कर देंगे अगेन, उसको ढक के 10 से 15 मिनट उसको हाई फ्लेम में कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी गल जाएगा, मटन का भी जो पानी है वो निकल के उसमें मटन जो कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस टमाटर गलने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो कीमा मैंने रखा था। कीमा ऐड करने से ना जो ग्रेवी होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है एंड स्वाद जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बस इसको हाई फ्लेम में ढक के करीब 15 मिनट कुक करूँगी, देन उसको बिना ढक के स्लो फ्लेम में करीब 1/2 घंटा कुक करूँगी, तो इसी में ही मटन कुक हो जाएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा धीमी आँच में, बस उसको कुक करते रहना है। तो करीब 1 घंटा लगा मुझे मटन बनने में, यहाँ पर देखिए मटन कौशा या थोड़ा सा रारा टाइप का ये बन के रेडी है। बस ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता एंड हरी मिर्च जो है वो गार्निश करूंगी एंड हल्का सा गरम मसाला।
तो अभी मैं ढाबा स्टाइल आलू गोभी बना दूंगी। काफ़ी दिनों के बाद ये मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोभी को बड़े बड़े पीसेस में काटा था, देन उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, बस नॉर्मल गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। देन इसमें आलू भी काट के फ्राई कर दूँगी एंड थोड़े से मैंने कैप्सिकम भी ऐड किए हैं, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। बट कैप्सिकम जो है ऑप्शनल है। तो आलू गोभी एंड कैप्सिकम मैंने फ्राई कर दिया है सेम ऑयल में। यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च, जीरा एंड यहाँ पर प्याज को मैंने कद्दूकस करके लिया है। तो प्याज को बिल्कुल ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। इसमें प्याज का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज भुनने के बाद इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। मसाले का रॉ फ्लेवर चला जाए इसमें टमाटर का प्योरी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, देन टमाटर भुनने के बाद उसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करके कसूरी मेथी ऐड करेंगे। देन हमारा मसाला बन के रेडी है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से हींग ऐड किया है, बटर थोड़ा सा ऐड किया ताकि अच्छा और फ्लेवर आए। तो मसाला भुन गया था, इसमें जितने भी फ्राई किया सब्जी हैं वो सब ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, देन इसको ढक के करीब 10 मिनट कुक करूंगी हाई फ्लेम में, ताकि सब्जियां जो है वो भी गल जाए एंड थोड़ा सा करारा भी हो जाए, ताकि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा आलू गोभी बन के रेडी है। ऊपर से बस थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता ऐड करूंगी एंड हरी मिर्च ऐड करूंगी। हरी मिर्च अगेन ऑप्शनल है, बट मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो ये बिल्कुल हमारा ढाबा स्टाइल आलू गोभी बन के रेडी है। रोटी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, तो बिल्कुल ट्राई करना। तो अभी मैं दाल मखनी बना लूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बटर। आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो। उसमें मैंने ऐड करा किया है जीरा, हींग एंड यहाँ पे कद्दूकस किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक बटर के साथ में भून लेंगे। प्याज भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट करीब 2 चम्मच। देन ये जो मसाले का रॉ फ्लेवर जाने तक उसको भी कुक कर लेंगे। टमाटर का प्योरी ऐड कर दूँगी। करीब 3 मैंने टमाटर का प्योरी ऐड किए थे। टमाटर भुनने के बाद हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला ऐड किया है। बस मसाला हमारा बन के रेडी है। यहाँ पे काली दाल एंड थोड़ा सा राजमा मैंने रात भर भिगो के रख दिया था एंड उसको मैंने बॉईल कर दिया था बस नमक डाल के। तो उसको इसमें ऐड कर देंगे एंड मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। देन इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना। देन इसको धीमी आंच में करीब आधा घंटा इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, तब जब तक ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसका थिक ना हो जाए, थोड़ा सा क्रीमी ना हो जाए। देन इसमें मैं ऐड कर लूँगी आधा घंटा कुक करने के बाद कुकिंग क्रीम। तो करीब 7 से 8 चम्मच मैंने कुकिंग क्रीम ऐड किया है। कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी। देन इसको अगेन 10 से 15 मिनट इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तो बस ये हमारा दाल मखनी बन के रेडी है। बस ऊपर से थोड़ा सा उसको अच्छा और स्वाद आने के लिए उसको भी हम लोग स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कोयला जो है वो बॉईल करके रख दिया है, सॉरी जला के रख दिया है। देन यहाँ कटोरी में कोयला ऐड करेंगे एंड बटर ऐड करके इसको ढक के उसको करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है वो दाल मखनी में आ जाए। तो यहाँ पे पनीर का मैं एक स्टार्टर बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है एंड प्याज को कद्दूकस करके रखा था, उसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। उसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसको भी अच्छे से भून लिया है। देन यहाँ पे टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं, उसका प्योरे बना लिया है एंड इसको भी थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको भी अच्छे से ड्राई होने तक भून लेंगे। ये वाली रेसिपी मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था एंड काफ़ी अच्छी बनी थी, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो जो यहाँ पे टमाटर है वो अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैंने जो ग्रीन, येलो एंड रेड कलर के कैप्सिकम को भी कद्दूकस कर लिया था, उसको भी ऐड कर दिया है। उसको भुनने के बाद यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके मसाले को बहुत अच्छे से भुना है, बिल्कुल उसका ऑयल निकलने तक उसको भुना है। देन यहाँ पे पनीर को क्यूब्स में काट के रखा था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देन मसाले के साथ में पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे। करीब 10 मिनट तक उसको धीमी आँच में कुक करेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो जाए। देन थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है, ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से और पनीर के साथ में कोट हो जाए एंड और ज़्यादा क्रीमी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड करके करीब 10 मिनट उसको मैं धीमी आंच में कुक करूँगी, बट ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी एंड ये पनीर बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैं सलाद पास्ता बना लूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे पानी गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक एंड डाल के ये मैक्रोनी जो है वो थोड़ा सा मैं बॉईल कर लूँगी। देन उसको मैं छान के ऊपर से थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डाल के उसको रख दूँगी, ताकि ये चिपके नहीं, आपस में चिपके नहीं। तो ये सलाद पास्ता सबको बहुत पसंद आता है, जैसे कि मैंने बताया था। आज भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, मतलब जो मुझसे अच्छा बनता है मैं वही बस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली अच्छा बन जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे 3 कलर के मैंने जो कैप्सिकम्स लिए हैं, तो उसको भी मैं से छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ एंड चेरी टमाटर जो है उसको भी हाफ करके काट लूँगी। देन यहाँ पे पास्ता ठंडा होने के बाद उसमें ये जो कैप्सिकम्स 3 कलर के एंड कोई भी कलर का आप ले सकते हो, तो एंड ये जो चेरी टमाटोज वो ऐड कर दिया है। देन इसमें मैं ऐड करूँगी ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव मैंने लिया है, आप चाहो तो ग्रीन ऑलिव्स भी ले सकते हो।
जो ये मैंने कटे हुए वाले ले आए थे, तो ये ऑलिव्स मैंने ऐड कर दिए एंड इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी हेलपिनोस, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया क्योंकि ऑलिव्स भी थोड़े खट्टे होते हैं, ये भी थोड़े से खट्टे होते हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा। देन इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस, तो ये वाला सॉस बिल्कुल ऐड करना। तो मस्टर्ड सॉस करीब 2 बड़े चम्मच मैंने ऐड किए हैं। देन यहाँ पर मैं 3 चम्मच करीब हनी ऐड करूँगी हल्का सा मीठा फ्लेवर लाने के लिए। तो बस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे मेयोनीज, तो मेयोनीज करीब 5 से 6 बड़े चम्मच मैं ऐड करूँगी। मेयोनीज ही मेन मतलब इसका जो स्वाद एनहेंस करता है, तो करीब 5 से 6 बड़े चम्मच मेयोनीज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देन इस ऊपर से ऐड करेंगे इटालियन हर्ब जो है वो ऐड कर देंगे। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। बस इसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो बस ये हमारा सलाद पास्ता जो है ये बन के रेडी है, बस ऊपर से कवर करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। देन यहाँ पे मैं चना चाट बना लूँगी, तो उसके लिए यहाँ पे चने को बॉईल करके रखा था, उसमें थोड़ा सा नमक एंड ये लाल मिर्च का पाउडर चाट मसाला ऐड करके उसको मिक्स कर लिया। देन इसमें चेरी टमाटोज, देन कुकुम्बर एंड लेटस काट के रखा था वो भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता एंड हरी मिर्च वो भी ऐड कर देंगे। प्याज मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं रख दूँगी। बस सर्व करने से पहले उसमें लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करूँगी और कुछ नहीं, तो उसको अभी से बना के फ्रिज में रख दूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जो छोले थे वो थोड़े से गर्म थे इसलिए ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे मैंने कुकुम्बर और जो गाजर उसको भी काट के रख दिया है एंड प्याज जो है वो अलग से मैंने काट के रख दिया क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। एंड यहाँ पे पुदीना एंड धनिया की चटनी जो है, हरी मिर्च पुदीना धनिया की चटनी बना दी है। एंड रायते के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करके उसको मिक्स करके मैं रख दूँगी, ठंडा करके रख दूँगी एंड पर सर्व करने से पहले उसमें थोड़ा सा मैं बूंदी ऐड कर दूँगी, तो बूंदी रायता भी बन के रेडी हो जाएगा एंड पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिए है, तो सब कुछ बन के रेडी है। सो गाइस खाना ऑलमोस्ट मुझे जो बनाना था वो सब रेडी है। ये रहा सलाद पास्ता, चटनी, ये चना चाट, सलाद, प्याज थोड़े सा और काटने हैं मुझे। ये हो गया मटन कोसा, दाल मखनी एंड आलू गोभी। ये हो गया चिकन अफगानी, रायता, पापड़। यहाँ पे है पनीर, चावल अभी थोड़ा सा मैं बनाऊँगी वेज वालों के लिए। एंड ये है मटन कबाब, वो एयर फ्रायर में करेंगे जब सब लोग आ जाएंगे। बाकी हमने बिरयानी ऑर्डर किया है, मटन बिरयानी ऑर्डर किया है इसलिए मैंने मटन कम बनाया है, 4 किलो मटन बिरयानी ऑर्डर कर दिया है एंड रोटी भी ऑर्डर कर दिया, रोटी नहीं बना सकती मैं। और बस सब कुछ हो गया है, चावल बस बनेगा एंड अभी मैं घर थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। जीत गए हैं बलून लेने के लिए, कल एक्चुअली मतलब मैंने बलून ऑर्डर किए थे बट कल हम लोग पार्टी सेंटर गए थे ना, तो वहाँ पे उसने बोला कि 500 से ऊपर का ऑर्डर होगा तो ही हम लोग डिलीवर करेंगे, तो जीत बोले कि मैं खुद जाके ले आऊँगा, तो अपने बर्थडे का बलून खुद लेने गए। तो जब तक वो आते हैं तब तक थोड़ा सा घर डेकोरेट कर लेंगे। शिवा को मैंने बुला लिया था ताकि किचन वगैरह थोड़ा क्लीन हो जाए और मैं क्लीनिंग वगैरह, सुबह झाड़ू पोछा लगा था बट दोबारा से झाड़ू पोछा लगा दिया, हम बच्चे खेल रहे थे एंड माया भी आ गई। माया आके एक्स्ट्रा साफ सफाई जो शिवा नहीं करता है वो माया करने में लगी है। मैं जा रही हूँ अभी डाइनिंग टेबल थोड़ा सा सजा लूँगी। यहाँ पे आज मैं कुछ भी ड्रिंक्स नहीं बना रही हूँ, तो ये सब कोल्ड ड्रिंक एंड बारबेक्यू वगैरह ठंडा करने के लिए रख दिया है। ये हॉल देखिए, सोफ़े को बिल्कुल उधर कर दिया है, वो जो वहाँ पे जो टेबल था उसको मैं बेडरूम में ले गई हूँ, तो सोफ़े को पूरा उधर कर दिया है, डाइनिंग टेबल को उधर कर दिया, तो इधर और जगह हो गया। ये एक सोफ़ा डाल दिया है इधर ताकि बैठने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह हो जाए इसीलिए। तो बस अभी मैं डाइनिंग टेबल सजा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ घर।
सो गाइस देखिए हनी बनी रेडी है, कैसे लग रहे हैं? सुपर स्मार्टी एंड डैड हनी बनी के साथ में मैचिंग बर्थडे बॉय का तो देखा थोड़ा मैचिंग और क्या, कैसे लग रहा था? सो ये रहे बर्थडे बॉय एंड ये रहा हमारे घर का डेकोरेशन, कैसा लगा सर? ना पसंद आया? मेरा बर्थडे बॉय, ये रहे बलून्स, यहाँ पे पावरी हो रही है आज। आज पावरी हो रही है, कैसा लगा? गाइस आप लोग बताना कमेंट करके। ये बलून्स, हैप्पी बर्थडे, बस सिंपल सा डेकोरेशन, बस कैंडल मुझे लगाने, सिंपल सा डेकोरेशन। मुझे हीलियम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ना वो घर गंदा नहीं होता है और जितने दिन रहे रह सकते हैं। बाकी दूसरे वाले क्या होता है, उसको फोड़ दो, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे ही फोड़ो, नहीं तो गंदे लगते हैं बहुत। एंड ये फ्लावर लाई थी जीत के लिए एंड ये पूरा रेडी है। मिलिए बर्थडे बॉय से। सो गाइस कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको सब कुछ? कब की खुद ही किया है कुछ शर्म से आ गई। सो गाइस एक्चुअली ये हनी बनी के लिए इतना ज्यादा खर्च करती है, इस बार कुछ ज्यादा ही, मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिसल गई। हमेशा तो करती रहती है बट इस बार मेरे अरे मतलब इस बार पार्टी लोग आ रहे हैं तो मैं क्या बोल रही थी कि ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि जो सेलिब्रेशन, केक कटिंग एंड जो गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग, वो सब मैं कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में नेक्स्ट पार्ट इसका, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके 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 ओके, यू फर्स्ट गाइज। आज मोस्टली कुकिंग वाला ब्लॉग हुआ एंड थोड़ा सा डेकोरेशन, जो कि ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बस ये बलून्स वगैरह एंड ये जो क्या टेबल, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे इसलिए मैंने थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर दिया ताकि सब लोगों के बैठने की जगह हो जाए। एंड बाकी तो ऑल्सो सीइंग द ब्लॉग। ओके फर्स्ट से हाय टू एवरीवन। एवरीबॉडी व्हाट? टेल एवरीबॉडी देयर इज बग। कैन यू आस्क Everybody no, what to ask? No, let him speak first. Huh? Tell. Everybody, there is a bug. There is a bug in the kitchen. वो बोल रहा है. Then ask everybody. Okay, can you also ask? Bunny will ask. कैसे हैं आप? Can you ask? Bug. तो चलिए गाइस हम लोग थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं सबके आने से पहले, वरना फिर कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। Thank you.